अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़रान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़रान दी रिपोर्टर। आज मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है कराची की पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी। इसका क़याम 25 दिसंबर 2019 को आया, जब कायज़म की सालगिरह थी। उस वक्त कमिश्नर कराची ने इसका इफ्तिताह किया। और इस लाइब्रेरी की ख़ास बात ये थी कि इसमें कोई भी आके यहाँ से बुक लेके पढ़ सकता था, लेके जा सकता था। और उसके लिए शर्त सिर्फ इतनी सी थी कि वो एक बुक लेके आए, यहाँ रखे और अपनी पसंद की दूसरी बुक उठाए और पढ़ने के लिए ले जाए। और इस क्या बोलते हैं बुनियाद पर ये लाइब्रेरी कायम हुई। आज काफ़ी अर्सा गुजर गया है और अक्सर हम यहाँ से गुजरते हुए देखते हैं, कभी कभार कोई बंदा बैठा होता है, पढ़ रहा होता है। और कई बार इस लाइब्रेरी को हमने बंद भी देखा। और सवाल ये है कि इसके बनाने का जो मकसद था, क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, आए मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी हवाले से थोड़ी सी गौर अली लोधी साहब से ही बात करते हैं। अच्छा, मेट्रोपोल होटल के करीब से आप गुजरते हैं तो कोने पे आपको एक छोटी सी लाइब्रेरी बनी हुई नज़र आती है, जो स्ट्रीट लाइब्रेरी कहलाती है। मैं और गौर भाई यहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी फरमाइश में हमने गाड़ी रोकी और वो यहाँ पे बुक्स वगैरह देख रहे हैं। तो आए चलते हैं, थोड़ी सी उनसे बातचीत करते हैं। जी गौर भाई, काफ़ी गौर से आप बुक्स देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीट लाइब्रेरी पे। खैर ये तो है, थोड़ा सा मुझे बताइए। ऐसा है कि जी जब इसका इफ्तिताह हुआ जी, तो उस इफ्तिताह में मैं भी शामिल था। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो उसमें डॉक्टर शाइस्ता भी थी, मेरी बेटी माशाल्लाह, और मैं खुद आया था। मैं बड़ी उम्मीदें थी लोग यहाँ रुकेंगे और लेके जाएंगे, लेकिन अभी मैं आया हूँ बुक जी। तो बुक्स तो हैं इसमें जी, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि बहुत अच्छी बुक्स हैं, बस एक आम सी बुक्स हैं। उसमें भी एक लॉक लगा दिया गया। अच्छा, लॉक लगा दिया। इसमें बड़ा मुझे अफसोस भी है कि यार पढ़ने लिखने पे वैसे ही पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह सही ऐसा निज़ाम जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं, मेरे तो कम से कम नहीं आता। और यहाँ पे भी इन्होंने लॉक लगा दिया है, तो ये तो मतलब इसका जो इसका प्रयाम है या इसका जो यहाँ ये पढ़ाने का, तो इस पर रात मिनट के दिमाग में रखने का सही तस्वूर है या इसकी जो अजीत होनी चाहिए वो तो खत्म हो गई। सही, मैं आया हूँ हर अजमाइश से, मैं हाथ रख रहा हूँ निकालने सही जी। हाँ, मैं मुझे बड़ा खुश हुआ है इस कंडीशन में से देखिए, इसके पत्थर लगे मेरे जी जी बिल्कुल। मतलब ये हालात, आपका कहना मकसद है कि जो मकसद था इस स्ट्रीट लाइब्रेरी का वो एक तरह से पूरा नहीं हो पाया। किस बात की लाइब्रेरी, ये तो एक हालात हो गया। हाँ, आपने वो करके सुनने के लिए आपने लॉक लगा दिया, ये लॉक लगाने का। अच्छा, आज ये भी हो सकता है कि तुम्हें छुट्टी का दिन है तो इस वजह से लॉक हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, मतलब यहाँ तो लोग आएंगे तो लोग पढ़ेंगे, चोरी ऐसे नहीं चोरी करके लेके जाएंगे, ये तो पढ़ने के मकसद के लिए लगाई है। तो किसी वक्त भी आदमी आ सकता है, उसका दिल चाहे तो यहाँ से सही लेके उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, ये पढ़िए इसमें बैठ के पढ़ सकता है या अपने एक्सचेंज कर सकता है, जो कि इसका मकसद था कि एक्सचेंज कर सकते हैं आप किताबें यहाँ ला के रखें और यहाँ से उठा के लेके जाएं। ये ईमानदारी तो दिल में होती है। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे ही है, आगे लेके जाएंगे अगर तो फिर आप छोड़ जी जी। अगर वो वक्त कब आएगा कि जब हम लोग जो है एक बात करना सीखेंगे। पाकिस्तान में तो हजरत मस्जिदों में जंजीरों में गिलास बने हुए हैं, सही है, तो पढ़ने की चीज़ है, बिल्कुल ऐसी है। तो आप तो मतलब इस तस्वीर को छोड़ दें, मैं तो बड़ा मायूस हूँ, ये मैं लास्ट की जुमला कह रहा हूँ। चलें बहरहाल, मेरा ख्याल है कि अमीर है कि अरबाब अख्तियार जिनके अख्तियार में है तो फार्म बनाएंगे इस लाइब्रेरी को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की स्ट्रीट लाइब्रेरियाँ और भी कायम की जाएँ कराची में और दीगर शहरों में, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किताबों की तरफ रागब हो सकें।